Now, overlapping of orbitals, an atomic orbital, as you know, is a region in space where there is the highest probability of finding an electron. इसका मतलब कि स्पेस का वह क्षेत्र जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रबलता अधिकतम हो उसे कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे कि आप देखिए नीचे एक बॉक्स में ब्लू कलर का सेंटर में डार्क कलरेशन और उसके साइड साइड में लाइट कलरेशन से मैंने शो किया है कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप में इसलिए है क्योंकि सेंटर स्फीयर में इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के 1s में जो एक इलेक्ट्रॉन हो उसको पाए जाने की प्रबलता सेंटर में सबसे ज्यादा है। अभी इसी का एक एक्सटेंशन हम लोगों ने पढ़ा था जब हमने अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस पढ़े थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में पढ़े थे चार अट्रैक्टिव फोर्सेस हाइड्रोजन में। अट्रैक्टिव फोर्सेस का नंबर चार था जो कि मैंने आपको पीछे वाले क्लास लास्ट क्लास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्लास में एक्सप्लेन किया था। और इसी तरीके से रिपल्सिव फोर्सेस का जो दो हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियस और दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाले दो रिपल्सिव फोर्सेस थे वो एक साइड डायग्राम्स पे जस्ट टू ब्रश अप कि हमने पहले क्या पढ़ा था मैंने अभी शो किया है। नाउ लेट्स प्रोसीड ऑन विद द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। सो जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं या पास पास आते हैं तो उनके बीच में कुछ पार्शियल मर्जर या थोड़ा थोड़ी संभावना उनके ऑर्बिटल्स के मिलने की हो जाती है। जो उनके दो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं उन एटम्स के उनके बीच में थोड़ी संभावना मर्ज होने की या मिलने की बन जाती है। इसको कहते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। और ये इसी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है और इस पेयरिंग की वजह से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है उसकी स्ट्रेंथ इस बात पे कि वो कितना स्ट्रॉन्ग या वीक होगा वो इस बात पे डिपेंड करती है कि ओवरलैप कितना ज्यादा है। अगर ओवरलैप ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और अगर ओवरलैप कम है तो वीक बॉन्ड बनेगा। तो इसी को एक नीचे जो हाइड्रोजन का एग्जांपल है मैंने उससे समझाया है। हाइड्रोजन का एग्जांपल मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कंटिन्यूएशन में ले लिया क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं इसको। तो एक हाइड्रोजन एटम में 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि मैंने शो करा हुआ है आपको। नाउ पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन में होल्ड कर सकता है। जब ये दो एटम आते हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऑपोजिट स्पिन में लिए हुए एक दूसरे के पास पास आते हैं तो इन ऑर्बिटल्स में ओवरलैप हो जाता है। इस ओवरलैपिंग जो मैंने शो करा हुआ है ओवरलैपिंग से उसमें देखिए आप दो इलेक्ट्रॉन्स मैंने ऑपोजिट स्पिन में भी शो करे हैं। इस ओवरलैपिंग की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना देता है जिसको कहते हैं हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बड़े इलेक्ट्रॉन क्लाउड में दोनों इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है। ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो एक दूसरे से किए जा रहे हैं आपस में शेयर, इस शेयरिंग की वजह से दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के पास पास रहते हैं और जिसकी वजह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इसलिए जो ऑर्बिटल थियरी है उसमें कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होनी चाहिए और जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर होने हैं उनकी स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए तब एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा।